हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्लॉग। हैप्पी बसंत पंचमी। तो आज बसंत पंचमी है, स्कूल में हमारे हवन होने वाला है और हम तैयार हो चुके हैं अगेन ट्विनिंग। नहीं आज और येलो ड्रेस कोड भी था, सभी को बोला गया, बच्चों को भी बोला है येलो में कुछ भी वो पहन के आना, टीचर्स को भी बोला गया है। और 5 हवन कुंड बनाए गए हैं जिसमें सारे टीचर्स बच्चे सभी साथ मिलकर बैठेंगे और हवन करेंगे। तो मिलते हैं, चलते हैं स्कूल देखना, तब तक के लिए बाय बाय। और हमेशा की तरह स्कूल जाने से पहले हमने घर में पूजा की, अपने कान्हा जी को नहलाया और उसके बाद अग्यारी जलाकर पूजा की। और ये है बसंत पंचमी से पहले का दिन और 13 फेब सी शाम से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। 5 हवन कुंड बनने थे तो हवन कुंड बनाए, उन्हें मिट्टी का लेप लगाया, पूरी रात उन्हें सुखाया, उसके बाद ये मॉर्निंग का सीन, फिर उसके बाद दोबारा से ये डेकोरेशन स्टार्ट हो गई। पंडित जी भी सुबह आ चुके थे, क्योंकि पंडित जी ने जो भी रिचुअल्स होते हैं अकॉर्डिंग अपनी पूजा स्टार्ट करने से पहले वो सारे रिचुअल्स किए, ताकि जैसे ही सर और मैम आ जाए तो पूजा स्टार्ट कर दी जाएगी। बच्चों का भी वेट हो रहा था। और जैसे जैसे बच्चे आना शुरू हुए, पहले तो क्लासेस में बिठाए थे, फिर धीरे धीरे वन बाय वन कर दिया है। और देखिए ये लंगूर महाराज हवन शुरू होते ही पूरे टाइम ऐसे आराम से बैठ के पूरा हवन देखते रहे। अग्नि ध्यान हरि ओम मारे भूतं पुरो काने हरिया बाप। और जैसा कि पंडित जी ने बताया था कि जो भी मैरिड कपल हैं स्कूल में वो ऑल द टाइम हवन में रहेंगे, तो इसलिए 5 हवन कुंड में से 4 हवन कुंड में तो मैरिड कपल अवेलेबल थे हमारे स्कूल में, तो 4 लोग बैठ चुके थे। सुनी के यज्ञ में बैठे प्यारे प्यारे बच्चे हो आप, मां सरस्वती का ध्यान लगाते हुए यज्ञ में रहेंगे और एकदम शांति के साथ में आपके शंकर में जाना आ जा रही है। मां सरस्वती का यज्ञ हो रहा है जैसा बच्चे आचार्य मां सरस्वती आहुति देंगे और यज्ञ में कमर सीधी करके बैठेंगे। आप सभी युवाएं और युवा शक्ति है तो कमर सीधी करके यज्ञ में सभी लक्ष्मी जाता देव महावा जाता
देव लक्ष्मी भरभगामे स्वाहा तामावह जातदेव लक्ष्मी। और जिस चीज़ का बच्चे वेट कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को भी आहुति देनी थी, वो तब से देख रहे थे टीचर्स को, तो उनका भी बहुत मन था, तो बच्चों को आगे कर दिया गया है टीचर्स को पीछे। तो बस इसके बाद जो हवन कुंड की हालत हुई है, उन्होंने नहीं देखा है किसके ऊपर से कैसे करना, उनको बताया गया, इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि बेटा इस तरीके से तीन जो आपके फिंगर्स हैं उनको यूज़ करना है, उसके बाद ऐसे आराम से आहुति देनी है। उन्हें नहीं था, मतलब दूर से फेंकना शुरू, कभी हमारे ऊपर गिरा रहे हैं, कभी किसी के बाल खींच रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं, तो वो पूरा देख के सीन बड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखिए छोटी सी झलक, सामने एक छोटा सा बच्चा बैठा है, वो किस तरीके से नॉन स्टॉप, उसे इतना स्वाहा से मतलब है ना किसी चीज से, नॉन स्टॉप वो फेंके जा रहा है, ये देखिए। और हवन कुंड की हालत देखिए, अभी से सबसे ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, आराम मिला। वह क्या वीडियो बना रहा है, ओके रे अभी लूंगा थोड़ी देर में लेंगे। बेटी है मेरी पॉलिची, हां देख कैमरा देखती है, देखो देखो कैमरे को, हां ये देखो मम्मी पापा आर्ट आर्टिस्ट। और ये था हमारा व्लॉग। हर साल हमारे स्कूल में वसंत पंचमी के दिन हवन किया जाता है, सभी बच्चों को बुलाया जाता है, इस तरीके से जो आज दिखाया है कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।